हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। एंड टुडे टॉपिक इज एक्सनोर गेट के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट के जो दो वीडियो आई हैं उसमें हम सभी गेट के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका एसएलडी बना चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में एक्सनोर गेट का हम वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जो एक्सनोर गेट होता है वो क्या होता है, एक्सोर गेट में अगर हम बार लगा देते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक्सनोर गेट बनता है। और उसकी आउटपुट आती है वो दोस्तों आती है ए डॉट बी प्लस ए बार इंटू बी बार, हमारी जो आउटपुट आती है। और इससे जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी, तो ये देख लेते हैं। इससे जो आउटपुट आ रही है वो कैसे हमारी आउटपुट आ रही है, इससे जो आउटपुट आ रही है हमारी, वो हमारी आ रही है y इज इक्वल टू, अगर यहां पर देखें तो ए डॉट बी ए बार डॉट बी बार, तो ये बनाएगा हमारा y बनाएगा। तो ये अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, इन दोनों का अगर मैं प्लस करूं, तो ही तो हमारी जो y है वो आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व आउट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम सोल्व आउट करते हैं तो क्या करते हैं, ये हमने लिया कॉम्बिनेशन 00 का, 01 का, 10 और 11 का हमने कॉम्बिनेशन लिया। तो अब अगले वाले में हम क्या लेंगे, अगले वाले में जो हम लेते हैं a इंटू जो हम b कर रहे हैं वो क्या कैसे करते हैं, 00 पे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और दूसरे वाला कॉम्बिनेशन है हमारा, सॉरी यहां पर बार नहीं लगाया मैंने, ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, जैसे ही हम करते हैं ए बार इंटू बी बार हम करते हैं, तो ये कैसे होगा, ए बार और बी बार का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो ये हमारा आएगा 1, यहां पर ये 1 आएगा और बाकी 0 आएंगे। आप कर सकते हैं एक कॉपी पर, मैं यहां पर करके नहीं दिखा रहा हूं, देखो भी यहां पर ऐसे ही आएगा। अगर ए बार का करेंगे तो ये 1, ये भी 1 होगा, क्योंकि 00 पे ये 11 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। अगर मैं बार ले रहा हूं तो यहां पर 00 मैंने दिखाया तो यहां पर 11 हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि यहां पर बार आएगा भाई, बार आएगा ऐसे करके, तो दोनों पे बार आएगा, दोनों दोनों 0 था तो 11 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहां पर 1 आएगा, और दूसरे में 0 हो जाएगा। मैंने एक करके दिखा दिया है, बाकी आप खुद कर लेना, ऐसे होगा, बार आएगा और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपली। मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हम इनको ऐड करेंगे, तो 01 ये क्या होगा, 100, और ये क्या होगा, हमें और गेट लगाना है तो 1 होगा, ये क्या होगा, ये हमारी आउटपुट आई, हमारी आउटपुट क्या आई दोस्तों, 1001, ये हमारी आउटपुट आई। अब आपने देखा कि आउटपुट कैसे निकालते हैं, अभी हम देखेंगे इस आउटपुट से हम कैसे सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अभी इस आउटपुट का मैंने सर्किट डिजाइन करना है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए बार बी बार। मैंने आपको बताया था कि बार के लिए हम क्या लेते हैं, बार के लिए हम लेते हैं एनसी स्विच और नॉर्मल हम लेते हैं एनओ स्विच। तो एक जो हमारा लगेगा, और के लिए हमने जोड़ना है, यहां पर और गेट है, और गेट हमेशा पैरेलल में लगता है, यहां पर एंड गेट है दोनों के बीच में, तो एंड गेट हमेशा सीरीज में लगता है। तो अभी देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारा जो सर्किट है ये ऐसा सर्किट बनेगा। ये यहां पर मैंने डॉटेड लाइन क्यों दिखाई है, क्योंकि ये दोनों एक ही बटन है,
क्या है? ये दोनों एक ही बटन्स हैं, और उसी एक बटन का हमने एक NO पॉइंट यूज किया और एक NC पॉइंट यूज किया। तो डबल थ्रो के आते हैं, और सिंगल जो हमें हमारे स्विच होते हैं, सिंगल पोल के, डबल पोल के, डबल थ्रो के, सिंगल थ्रो के, वो हम ऐसे यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये एक ही स्विच है, एक का हमने NO पॉइंट लिया, एक का हमने NC पॉइंट लिया है। अभी हम ट्रू टेबल को कैसे हम यहाँ पर करेंगे, अभी देख लेते हैं। जो ट्रू टेबल मैंने लिखी थी वो ट्रू टेबल क्या थी, वो ट्रू टेबल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार। अभी देख लेते हैं, जब दोनों स्विच जीरो हैं, दोनों स्विच जीरो, तो हमारा वन आ रहा है क्या? दोनों स्विच हमारे जीरो हैं तो वन आ रहा है क्या? अभी ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, यानी कि दोनों जीरो हैं, तो हमारी सप्लाई कहाँ से आएगी? यहां से आएगी सप्लाई, तो वन आया ना। दोनों स्विच अगर हमारे जीरो हैं तो वन आया, यानी कि जीरो का मतलब विदाउट प्रेस, हमने प्रेस नहीं किया। तो ये दोनों एनसी हमें यहां से क्या दे देंगे? सप्लाई दे देंगे, यहां से सप्लाई। जीरो होने के बाद भी अगर इनमें से एक भी वन करता हूं, यानी मैंने ये वन कर दिया, दोनों में से एक भी वन करता हूं, तो उल्टा काम करेगा, उल्टा काम करेगा। दोनों में से एक भी वन करूंगा तो यहां पर ओपन सर्किट होगा, यहां पर ओपन सर्किट होगा, यहां पर ओपन सर्किट, तो यहां से भी ओपन, बखूबी यहां से क्लोज हो गया, यहां से क्लोज हो गया, लेकिन बी क्या है? ओपन है, तो आउटपुट जीरो। ऐसे ही इस लास्ट वाले केस में, इस वाले केस में भी अगर ये वन होगा, ए ए वन होगा या बी वन होगा, इनमें से अगर एक वन होगा एक जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आएगी, अगर दोनों क्लोज होंगे तो आउटपुट वन आएगी। ये हमारा एक्सनोर गेट था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार कॉपी पे बना के देखें, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।